नमस्कार दोस्तों, हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रामदेव और आप देख रहे हैं एक और। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आज आप किस तरह से पेटीएम का डिजिटल गोल्ड जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेटीएम को ओपन कीजिए, उसके बाद देखिए आपको जो आपका बैलेंस कहीं कहाँ पर दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिचार्ज और पे के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए आज का रेट चालू है 2927.3। ये जो गोल्ड मिल रहा है आपको, ये प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का, जिसकी देखिए आपके ऑप्शन 999.9, इसकी प्योरिटी है। इसकी ये एकदम प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं सेल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड अवेलेबल है, देख सकते हैं आपको कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए गोल्ड बैलेंस 1G, तो इसको आप सेल कीजिए, यहाँ पे 1G डालिए। ये देखिए इसकी कीमत है 2796.20। अगर आप इसको ख़रीदने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे उसका रेट है 2927। अगर आप बेचने जाएंगे तो उसका रेट होगा, ये देखिए 2796। मतलब ये जो पैसे जो बीच में जो पैसे जा रही है, ये पैसे जो आपने जो है सोना जो आपने परचेस किया था, तब आपने उसका इतना टैक्स पे किया हुआ, क्योंकि उसकी अमाउंट उतनी कम हो गई। तो आप क्या कीजिए, उसको 10 रुपये जो है पेटीएम इसको आपको चार्ज लेगा, जो भी कन्वीनियंस फीस के तरह आपसे 10 रुपये चार्ज करेगा। यहाँ पे प्रोसीड टू पे कीजिए। ये देखिए अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालिए, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ये देखिए उसके बाद पूछ रहा है आपको 10 रुपये आपको इसके अंदर आपको देने होंगे। मैं यहाँ पे इसको पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, जो कि मेरे पेटीएम वॉलेट में अमाउंट था। तो ये देखिए इस तरह से आपका जो प्रोसेस में चालू है। ये देखिए इस तरह से प्रोसेस उसका चालू है। तो प्रोसेस सक्सेस होते ही आपका जो पैसा तुरंत ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए मेरे को मेरा अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में मिल चुका है। मैं आपको उसका देखिए प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरे अकाउंट में जो है 2796.20 रुपये जो है जमा हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको जो अपना अमाउंट जो है तुरंत अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है गोल्ड को बेचना और परचेस करना। पर इसके लिए आपको, अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि आप जो है यहाँ से कुछ पैसे कमा सकते हैं, तो ये थोड़ा कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ से जब आप सोना परचेस करते हैं तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना होगा सरकार के लिए। तो उसकी टैक्स के पे करने के बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी। मतलब अगर आपने 3000 में अगर 1 कैरेट सोना परचेस किया है, तो उसकी जो टैक्स कटने के बाद कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 2800 रुपये, यानी कि 200 रुपये जो आपके उसके अंदर टैक्स पे करने होंगे। उसके बाद देखिए आप, अगर भाव ठीक रहे तभी आप उसके अंदर कुछ कर सकते हैं। मतलब 3500 का अगर भाव चल रहा है, तब आप उसको अगर बेचेंगे 3000 से लेके, तभी आप उसके अंदर कुछ अमाउंट जो है पा सकते हैं। वरना इसके अंदर आप कुछ भी कमा नहीं सकते। ये डिजिटल गोल्ड, इसके अंदर आपको टैक्स पे करने के बाद ही अमाउंट जो है मिलता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूँगा, किस तरह से आपको जो है डिजिटल गोल्ड को जो है परचेस करना है, तो आप वहाँ से देखकर डिजिटल गोल्ड को जो है परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।